25 ग्रुप, हर ग्रुप में 20 लोग, और कोई साथी जाके ग्रुप लीडर को एक एक रेजोल्यूशन जाके दे रहा है। आप बैठे रहिए, रेजोल्यूशन आपके पास आएगा, रेजोल्यूशन की कॉपी। एंड दोज हु अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश मे प्लीज फॉर्म वन सेपरेट ग्रुप देयर वेयर विशंबरम जी इज स्टैंडिंग, वेयर बालकृष्णन जी इज स्टैंडिंग, प्लीज फॉर्म एन इंग्लिश ग्रुप देयर। समवन फ्रॉम आवर साइड विल रीच देयर एंड यू विल हैव एन इंग्लिश कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन। हर समूह में एक एक राष्ट्रीय समिति का सदस्य, यहां सोमनाथ जी बैठे हुए हैं, ग्रुप बन गया है, रेजोल्यूशन आपके पास पहुंच रहे हैं, आपके पास कोई अभी आया नहीं है। मैं देख रहा हूं प्रशांत जी के ग्रुप में बहुत लोग आ गए। चलिए ये पॉपुलैरिटी का क्या किया जाए इसका। यहां पे एक साथी राकेश जी, आप इस ग्रुप के साथ आ जाइए। अच्छा आप बैठ गए, ठीक है ठीक है, एमपी सिंह जी बैठ गए, बढ़िया। यहां ठीक है, प्रशांत जी हैं यहां पे। इस ग्रुप के साथ ही इतना बड़ा ग्रुप कैसे बन गया है, और इस ग्रुप के साथ कौन बैठा है, क्या अध्यानी भाई अब है, बहुत बढ़िया। मगर इतने सारे लोग कैसे करेंगे सर, अगर आप में से दो चार लोग यहां उस ग्रुप में चले जाएं, बस दो मिनट के बाद मैं बोलना बंद कर दूंगा, तब तक बट रहे हैं, दो चार लोग उस ग्रुप में चले जाएं तो वो जरा कम संख्या में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है ना, दिक्कत हो जाएगी। सर थोड़ा आप आगे हो जाइए ताकि बात आराम से सुनी जा सके, आगे हो जाए ताकि वो सुनी जा सके। विज्ञान जी आपके साथ ये ग्रुप है, लेकिन भाई एक थोड़ा सा ग्रुप कितने तो बना लो, ये कैसे है, तो मामला ही कुछ नहीं बना। बहुत बढ़िया, तो यहां तो ग्रुप हो गया, पर इसे थोड़ा गोल बना लीजिए ठीक करके। हाँ, इस ग्रुप के साथ लिंगराज भाई हैं, बहुत बढ़िया, आराम से जी, आप दो ग्रुप के बीच में हैं, या उधर या इधर, स्पेस तय कर लीजिए। जी थोड़ा नजदीक हो जाइए ताकि आवाज सुनाई दे। भाई इसका गोल दायरा बना लीजिए, आपके साथ कोई बैठा है, हाँ आप बैठे हैं रंजीत भाई, ठीक है, थोड़ा गोल दायरा बना लो, एक दूसरे की आवाज सुनेगी तो सही ना। हाँ खिला लो, खोल लो जी, इस ग्रुप के साथ आप बैठ रही हैं, लवली, मोर ऑफ ए कर्नाटका ग्रुप, आई कैन सी दैट, यू कैन डिस्कस इन कन्नड़ा एंड यू कैन ऑल्सो हैव एन इंग्लिश कॉपी, यस वी हैव इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, या सो जस्ट आस्क देम। No, but if you want to make it English group, then if there are one or two persons of Hindi, they can go to some other group. आप किसी और ग्रुप में चले जाइए. Let this be an English group. That's easy, na? Okay, lovely, lovely. That is our culture. That's the best thing. हाँ, इधर राजीव भाई का ग्रुप बन गया है. बहुत बढ़िया. यहाँ पे इस ग्रुप के साथ कौन है? आशना जी हैं. बहुत बढ़िया. नजदीक आ जाइए, इतना छितरा के क्यों, बातचीत कैसे होगी अगर ग्रुप नहीं बनाएंगे तो। रमजान भाई के साथ बैठा है ये ग्रुप, नजदीक एक गोला बना लीजिए भाई जी, ये बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है। कैप्टन साहब के साथ, कैप्टन साहब की पॉपुलैरिटी है, रामदेव जी भी हैं यहाँ पे हैं, अच्छा दो दो साथी हैं, ठीक है, पर थोड़ा सा गोला बना लेते तो एक दूसरे से बात हो जाती, आप तो हो गए जी। उधर हाँ जी, खजूरिया साहब इस ग्रुप के साथ हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो मेरे उसमें पढ़ा है क्या, इंग्लिश की कॉपी दो ग्रुप्स को चाहिए, एक तो वहां पे कर्नाटका ग्रुप जो है वहां कोने में, उन्हें चाहिए इंग्लिश की कॉपी, और एक इधर, हियर ऑल्सो, ओके यू ज्वाइन, ऑल राइट, यू आर जस्ट फाइव और सिक्स, बट देयर इज नो हार्म, यू कैन फाइव और सिक्स, यू कैन डू दैट, देयर इज नो हार्म, सो वी कैन हैव टू इंग्लिश ग्रुप्स, वन इज हियर, द अदर वन इज देयर, बिकॉज दैट ग्रुप इज मिक्सिंग इंग्लिश एंड हिंदी, यू कैन मेक इट ओनली इंग्लिश ग्रुप, या यहां पे कौन है साथी,
आप हैं दो साथी हैं, बहुत बढ़िया, तो फिर थोड़ा बड़ा ग्रुप भी होगा तो चलेगा। और इधर थोड़ा सा इधर हो जाइए भाई, दो ग्रुप मिक्स हो गए हैं, कैसे चले गए? थोड़ा गोल दायरा बना लीजिए ना, कैसे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक से गोल दायरा बना के बैठिए। हाँ, सब लोग गोल दायरा। सविता जी, उधर आपका ग्रुप है? कोई बात नहीं, इतने से चलेगा, अच्छी गहन चर्चा होगी। पहुंच गए, कॉपी नहीं आई इधर, हिंदी रेजोल्यूशन की कॉपी नहीं आई है जहां मैं खड़ा हूं, यहां हिंदी की कॉपी आनी चाहिए, ठीक है? ओके, अब मैं माइक का इस्तेमाल बंद करूंगा। हाँ, कॉपी इधर आनी बाकी है, इन ग्रुप्स के अंदर कॉपी आनी बाकी है। मैं अब माइक का इस्तेमाल बंद करूंगा, लेकिन आप सबसे कहूंगा कि दो तीन काम करें। एक साथी पढ़ के सुनाएगा, आप बांट के भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा लंबा है, मगर ध्यान से सुनिएगा, और सुनते वक्त अपने आप से पूछिएगा कि अच्छा, मेरे संगठन की, स्वराज अभियान की राजनीतिक सोच कांग्रेस से किस तरह से भिन्न है, बीजेपी से किस तरह से भिन्न है, वामपंथी पार्टियों से किस तरह से अलग है, आम आदमी पार्टी से किस तरह से अलग है, मेरे यहां का लोकल जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, चौटाला पार्टी, उससे किस तरह से अलग है। पहली बात, हम अपनी सोच में दूसरे संगठनों से किस तरह से भिन्न है, पहली बात। दूसरा, अगर मैं इस रेजोल्यूशन को मानता हूं तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इसके बारे में सोचिए। और तीसरा, यह भी सोचिए कि कल से मैं जब अखबार पढ़ूंगा या अखबार पढ़ूंगी तो मैं कुछ चीजों को क्या एक दूसरे तरीके से सोचूंगी। इन तीनों सवालों को अपने मन में रखिए और उसके बाद चर्चा, आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। तो पढ़ने के लिए 10-12 मिनट, चर्चा के लिए 15 मिनट, हम आधे घंटे तक इस पे बातचीत करेंगे। अपनी घड़ी देख लीजिए, आधा घंटा हम सबके पास है, 4:07 हुए हैं, 4:35 पे हम इस सत्र को समाप्त करेंगे, अपनी चेयर्स को दोबारा अरेंज करेंगे और फिर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो राजनीतिक प्रस्ताव है इसी से आपका कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। सो जस्ट टू समराइज, वील आस्क आवरसेल्व्स 3 questions। 1, हाउ इज माई पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, द पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट फ्रॉम अदर पोलिटिकल पार्टीज। 2, what is the action plan that emerges from it? 3, will I read the newspaper differently tomorrow? When I look at the newspaper, will I read it slightly differently than what I have done? तो हम सब लोग इनका 22 पे बातचीत करेंगे, 10 मिनट पढ़ने के लिए, 20 मिनट बातचीत के लिए। शुरू करते हैं, धन्यवाद। हेलो, 20 मिनट हो चुके हैं लेकिन कई ग्रुप्स में अभी तक पाठन भी पूरा नहीं हुआ है, ये देखते हुए अभी हम 20 मिनट और लेते हैं। यहां से पढ़ना पूरा कर लीजिए, मगर याद रखिए कि आपको हर ग्रुप को इन तीनों सवालों का जवाब देने के लिए किसी एक व्यक्ति को तैयार रखना है, और वो व्यक्ति नेशनल वर्किंग कमेटी का मेंबर नहीं हो। नेशनल वर्किंग कमेटी वाले सिर्फ डिस्कशन फैसिलिटेट करने के लिए हैं, ग्रुप की तरफ से बोलने वाला जो व्यक्ति है वो कोई और होगा, ताकि हमारे हम सब अपनी राय रख सकें। और बोलने के लिए केवल 1 मिनट मिलेगा, और इन तीनों में से किसी एक सवाल का जवाब देना होगा। दोबारा याद दिला दूं, तीनों सवाल ये हैं, ये रेजोल्यूशन पढ़ के मुझे क्या समझ आता है कि हमारी सोच जो देश की स्थापित पार्टियां हैं उससे कैसे अलग है। 2, अगर ये रेजोल्यूशन पढ़ने के बाद क्या प्रोग्राम मेरे मन में आता है, हमें क्या करना चाहिए। 3, कल सुबह जब मैं अखबार पढ़ूंगी
तो मैं न्यूज को किन न्यूज को अलग तरीके से देखना शुरू करूंगी रेजोल्यूशन देखने के बाद। तो बस अभी हम पूरा करें, अब से 20 मिनट और हैं हमारे पास, उतने में चर्चा जरूर खत्म कर लें।